भारतीय जनता पार्टी उत्तर नागपूरतर्फे बेजनबाग मैदानात बेजनबाग प्रीमियर लीग टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंटचे 24 डिसेंबर ते 2 जानेवारी या दरम्यान आयोजन करण्यात आले आहे. नागपूर क्षेत्रातील अनेक भागातून उत्कृष्ट 26 टीमनी आतापर्यंत रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे. विशेष म्हणजे या टूर्नामेंटमध्ये सुदर्शन आणि वाल्मिकी समाजातील लोकांनी सहभाग नोंदविला आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी या टूर्नामेंटला भेट देऊन खेळाडूंचा उत्साह वाढविला. टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 24 दिसंबर से 2 दिसंबर तक 2 जानेवारी तक रखा गया है. और ये इस 5 दिन में हम इस ग्राउंड में देख रहे हैं कि नागपुर शहर के अलग अलग क्षेत्रों से करीब करीब 26 टीमें यहाँ पर रजिस्टर हो चुकी हैं और बहुत ही उत्साह के साथ में, और विशिष्ट करके इस क्रिकेट टूर्नामेंट का एक वैशिष्ट्य है कि इसमें सुदर्शन वाल्मीकि और मखियार समाज के ही क्रिकेट प्रेमी ने इसमें सहभाग लिया है और शहर के अलग अलग बस्ती से बहुत ही अच्छी टीमें यहाँ पर खेल रही है और लोग भी उनको, जो प्रेक्षक है वो भी उनको साथ दे रहे हैं. बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मैच देखने के लिए आते हैं. करीब 26 टीम है अभी. आज हमारे नागपुर शहर के खासदार और केंद्रीय मिनिस्टर, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके नेते आदरणीय नितिन जी गडकरी, इन्होंने यहाँ पर आकर हमारा उत्साह बढ़ाया, हमारे क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह बढ़ाया, ये प्रेक्षकों का उत्साह बढ़ाया और उन्होंने हमके सभी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का काम उन्होंने यहाँ पर आकर किया है. मुझे बहुत खुशी हुई है कि संदीप जी और उनके सहयोगी ने हमारे सुदर्शन वाल्मीकि समाज के जो हमारे बंधु हैं उनके क्रीड़ा कौशल्य को प्रोत्साहित करने के लिए इस स्पर्धा का आयोजन किया है. अच्छा, हम जब खेलते हैं तो उससे हमको अनुभव मिलता है, अवार्ड भी मिलता है, पर धीरे धीरे हमारा गेम भी इससे विकसित होता है. मुझे बहुत खुशी है इस स्पर्धा से अच्छे खिलाड़ी तैयार होंगे और देश का नाम आगे बड़ा करेंगे. इतने अच्छे खिलाड़ी निश्चित रूप से इसमें तैयार होंगे. इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार सब खिलाड़ियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, धन्यवाद.